हाय गाइस, वेलकम टू फिट मशीन चैनल और मैं हूं जीत कोटक। तो आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है स्किन केयर। हमारा चैनल फिटनेस के साथ साथ सेल्फ ग्रूमिंग ही इंक्लूड कर रहा है, तो बॉडी बनाने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन भी हेल्दी एंड रेडिएंट हो। तो गाइस, पहले तो हमारी जो स्किन है वो मिरर है हमारी ईटिंग हैबिट्स का, वो वही रिफ्लेक्ट करेगा जो हम खाएंगे। कोई भी एक्सपेंसिव या ब्रांडेड ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स आपके स्किन को हेल्दी या रेडिएंट नहीं बना सकता। तो आज जो ये आपका मिथ है वो टूटता है कि कोई भी एक्सपेंसिव या ब्रांडेड ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा। तो गाइस, अब मैं आपसे बात करता हूँ अनहेल्दी स्किन हैबिट्स एंड उसके कॉजेज के बारे में। तो पहला ये है कि आप एक्सेसिव ऑयली फूड, जंकी फूड एंड वाइट शुगर ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप उतना ही पानी पी रहे हो जितनी आपको प्यास लग रही है। तीसरा ये है कि आपके जो डाइट में है वो सिर्फ और सिर्फ कुक्ड फूड है। फोर्थ ये है कि आप अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेस कर रहे हो एंड नींद कम दे रहे हो। और फिफ्थ ये है कि आपका जो वेदर है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही हार्श है। तो यहाँ मैंने आपको सब कॉजेज के बारे में बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ इस कॉजेज के प्रिवेंशन के बारे में। तो पहला तो यही है कि अगर आपको पता है कि आपकी जो स्किन है वो एक्ने प्रोन है और आपको पिंपल्स जल्दी आ जाते हैं कोई भी ऑयली फूड खाने से या जंकी फूड खाने से, तो आपको उसको डेली रूटीन में से निकाल ही देना है। दूसरा ये है कि आप अपना एक बैलेंस डाइट बनाइए। एक स्किन अच्छी हेल्दी स्किन के लिए बैलेंस डाइट बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसा बैलेंस डाइट बनाइए जिसमें आपको मल्टी वाइटामिन मिलते रहे, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। तीसरा ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कुक्ड फूड नहीं खाना है, आपको आपके जो डाइट में वेजिटेबल्स सैलड्स भी इंक्लूड कीजिए, रो वेजिटेबल्स। फोर्थ ये है कि आपका जो बॉडी है उसका जो वाटर इंटेक है वो मिनिमम टू मिनिमम 3 लीटर्स होना चाहिए। फिर आपको अगर आपकी बॉडी वेट के हिसाब से जानना हो तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं, बट वाटर इंटेक इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू कीप आवर स्किन हेल्दी एंड रेडिएंट। फिफ्थ ये है कि आप अपनी बॉडी को 8 आवर्स ऑफ स्लीप तो दीजिए ही, मिनिमम टू मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप। और सिक्स्थ ये है कि अगर आपका जो काम है, अगर आपको बाहर जाना होता है बहुत, तो आप सनस्क्रीन यूज़ कीजिए जिसका SPF 50 तो होना ही चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको हर एक स्किन के कॉजेज एंड प्रिवेंशन के बारे में बताया। और अब मैं इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, ये बैलेंस डाइट एंड वाटर इंटेक के साथ साथ मैं क्या करता हूँ तो मैं अब आपको बताऊँगा। तो आइए देखते हैं। तो गाइस, पहली रेमेडी में हम एक कंटेनर लेंगे, उसमें फ्रीजिंग आइस कोल्ड वाटर ले लेंगे, पूरा जो कंटेनर वो भर देंगे। फिर उसमें हम अपना फेस 10 सेकंड डिप करेंगे, वो हम 10 से 15 मिनट करेंगे। तो इस जो रेमेडी को हम आइस फेशियल भी कह सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज, इस प्रोसेस से आपकी जो स्किन है वो टॉन्ड हो जाएगी, आपकी आईज की पफनेस है वो चली जाएगी, आपके पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। तो इससे काफ़ी बेनिफिट्स है, आप भी ये ट्राई कीजिए। तो गाइज, जो दूसरी रेमेडी है वो स्क्रब है। जो स्क्रब मैं यूज़ करता हूँ वो बायोटिक है। ये जो स्क्रब है वो टैन रिमूव करने के लिए एंड डेड स्किन रिमूव करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये मैं वीक में एक बार यूज़ करता हूँ। तो ये कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊँगा। तो आइए, we'll be right back.
गाइस, आज मैंने स्किन केयर का टिप शेयर किया और आप भी इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको ज़रूर इसका रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल को शेयर एंड सपोर्ट देते रहिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।